नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल कुसुम की रसोई पर। तो आज हम बनाने वाले हैं ये झटपट से बन जाने वाले पोटैटो रिंग्स, जो बाहर से एकदम क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। एंड आप इसे किसी भी पार्टी के स्टार्टर में बनाइए, सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे उबले हुए आलू, और इनको हमें अच्छे से मैश कर लेना है। आप चाहे तो मैशर या फिर ग्रेटर की मदद से इसको अच्छे से घिस लीजिए, एंड इसको हमें फाइनली एकदम मैश करके तैयार कर लेना है। आपको सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि हमारे आलू में बिल्कुल भी टुकड़े ना बचे, वो एकदम अच्छी तरह से ग्रेट हो जाए। तो ऐसे करके हम अपने सारे आलू को तैयार कर लेंगे। एंड फिर यहाँ पे मैं रख रही हूँ एक कढ़ाई, और उसके अंदर हम डालेंगे 1.5 कप पानी, और यहाँ पे हम पानी को कम ही रखेंगे। और फिर जैसे ही पानी गर्म होने लगे, उसी वक्त आपको उसके अंदर डाल देना है थोड़ा सा तेल, और उसके साथ में स्वादानुसार नमक। और दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ भी सामान नहीं चाहिए, सिर्फ आलू और सूजी का इस्तेमाल करना है, एंड आपका बढ़िया सा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। फिर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा और साथ में चिली फ्लेक्स। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, और फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप सूजी, जिससे हमने पानी को नापा था। एंड इसे हमें कंटिन्यूसली चलाते जाना है, क्योंकि हमारा सूजी धीरे धीरे करके सारे पानी को सूखने लगेगा। और इसी वक्त आपको डाल लेना है इसके अंदर हरा धनिया पत्ता, और इसे ऐसे चलाते रहने के बाद अब इसके अंदर डालेंगे हमारा मैश किया हुआ आलू, और इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है थोड़ी देर के लिए। फिर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें अच्छे से कंबाइन होने लगेंगी और थोड़ा सा टाइट डो बनने लगेंगे। इसके बाद हम इसको ढक के 5 मिनट के लिए थोड़ी देर की धीमे धीमे आंच पे एकदम पकने देंगे, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा परफेक्ट सा डो बनकर तैयार हो गया है। तो एक थाली के अंदर हम थोड़ा सा तेल लगाने के बाद इसको उसके अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। इसको निकाल लेने के बाद आप इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए, और फिर इसके बाद अपने हाथों में हल्का सा तेल लगाने के बाद आप इसको अच्छे से मैश करते जाइए, एंड इसको एकदम चिकना सा डो बना के तैयार कर लीजिए। एंड बाय द वे गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब हमारी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी है, तो अब हमारे आटे में से मैं थोड़ा सा पेड़ा निकालूंगी, और उसको रोल करते हुए आपको यहाँ पे फ्लैट कर लेना है। और अगर आपको ये डो थोड़ा सा चिपचिपा लग रहा है, तो अपने चकले के ऊपर आप थोड़ा सा आटा फैला लीजिए, एंड फिर इसको रखकर आप इसको हल्का सा मोटा पतला बेल लीजिए। एंड इसी के साथ हम इसकी बड़ी सी रोटी टाइप का बना लेना है, बट वो ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। एंड दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्नैक है, अगर आप चाय के साथ खाएं या फिर किसी भी पार्टी के स्टेटस में खाएं। एंड जो भी इसको खाएगा, वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपने इसको कैसे बनाया। और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि वो भी इस रेसिपी को सीख सके। तो चलिए अब इसमें से शेप कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करी हूँ एक ग्लास का, और इसके अंदर से हम बड़े बड़े गोले कट कर लेंगे। आप चाहे तो किसी छोटी कटोरी या फिर कुकी कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। एंड ऐसे ही इसमें से दूसरे सर्कल्स काट लेने के बाद, इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप निकाल लीजिए। एंड यहाँ पर हमें इसके सर्कल्स को ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, एक ग्लास के साइज़ का ही रखना है। फिर मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ एक हाजमोले के ढक्कन का। आप चाहे तो कोई छोटी सी कटोरी या छोटे से ग्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसके बीच के सेंटर में से हम इसको कट कर लेंगे। फिर जब आप इसको निकालेंगे, तो आपको इस तरह का कुछ शेप मिल जाएगा, जो कि दिखने में बिल्कुल डोनट जैसा लग रहा है। और वैसे मैंने यहाँ पर अपने डो को एकदम पतला बेला है, ताकि इसके अंदर के जो रिंग्स बनेंगे वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। फिर जो बाकी के बचे अंदर के गोले हैं, आप उनको भी अलग से फ्राई कर सकते हैं सर्कल्स की तरह। तो इसी प्रकार अपने सारे पोटैटो रिंग्स को हम बनाकर तैयार कर लेंगे। एंड अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक कढ़ाई के अंदर तेल, और फिर इसको हम एकदम हल्के मीडियम आंच पे इसको फ्राई कर लें। एंड इसको हमें हल्का सुनहरा होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। यहाँ पे हमें सारे रिंग्स को एकदम शैलो फ्राई करना है, और साथ ही में इसको पलटते रहना है, ताकि ये दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और साथ ही में यहाँ पे आपकी कढ़ाई में जितने रिंग्स आए आप उतने ही डालिए, यहाँ पे हमें बहुत सारे नहीं डालने हैं, धीरे धीरे करके सबको फ्राई करना है। फिर जब आप देखें कि ये धीरे धीरे पकने लगे हैं और साथ में गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं, तब आप इसको अलग से निकाल लीजिए। फिर बाकी बचे रिंग्स को भी हमें इसी प्रकार से फ्राई कर लेना है, एंड इसको निकाल लेना है। और दोस्तों, एक बार आप इस रेसिपी को मेरे कहने पर ट्राई ज़रूर करिएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए, बिल्कुल कम सामान में और झटपट बन जाने वाले हमारे पोटैटो रिंग्स बनकर एकदम तैयार हो चुके हैं, और साथ ही में कितनी कम मेहनत में हमने इतने सारे पोटैटो रिंग्स बनाकर तैयार कर लिए। और जब आप इसे केचप या किसी भी सॉस के साथ ट्राई करेंगे, तो ये तो लाजवाब लगेंगे। और ये पोटैटो रिंग्स बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी एंड अंदर से सॉफ्ट बनते हैं। सो आप भी एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा, और देखिएगा कि कितने बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।